नमस्कार रिदम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। संदेशकाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार। ईडी टीम पर हमले के बाद से था फरार। शाहजहां शेख के अरेस्ट पर बोली भाजपा, कहा शाहजहां शेख को मजबूरी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीएमसी पर लगाए शाहजहां शेख को बचाने का आरोप। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद आज संदेशकाली जाएंगे सुभेंदु अधिकारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी इजाजत। शाहजहां शेख के घर के आसपास धारा 144 लागू। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज हो सकता है फैसला। बीते 27 फरवरी को हुए राज्यसभा सांसद के चुनाव में इन विधायकों ने बीजेपी को दिया था अपना समर्थन। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कुल 18 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर किया गया है। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी। शुभकरण सिंह की मौत के 7वें दिन हत्या का मामला दर्ज। आज हो सकता है अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपी 17 लाख फर्जी वोटरों की लिस्ट। 2019 में बीजेपी टीएमसी के वोटों का अंतर भी इतना ही था। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पहली सूची में आ सकते हैं राजस्थान के 10 प्रत्याशियों के नाम। यूपी भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने दिया विवादित बयान, कहा पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश है पर कांग्रेस के लिए नहीं। क्या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं? ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। आहूजा सन्स की पश्मीना शॉलें, प्योर पश्मीना नेचुरली। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बीके हरिप्रसाद के बयान पर बीजेपी ने किया हमला। कर्नाटक के उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही यह कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है। अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। खनन घोटाला मामले में दर्ज कराना था बयान। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। युवा कैंडिडेट को दी जाएगी प्राथमिकता। आज ईडी के सामने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत होंगे पेश। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। 98 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान। राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। 80 युवाओं को मिलेगा बिस्मिल्ला खान पुरस्कार। दिल्ली कूच पर आज फैसला करेंगे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा सरकार बातचीत करने के लिए है तैयार। इसरो 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 4। इस अभियान के तहत चांद के सतह से चट्टानों का सैंपल भारत लाने की है तैयारी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 55वें सत्र में भारत ने तुर्की पाकिस्तान को एक साथ लगाई लताड़, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा, कहा मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता, मैं उनका फैन। चीन ने कंगाल पाकिस्तान को दी बड़ी राहत। 2 अरब डॉलर के लोन की समय सीमा बढ़ाई, ब्याज भी पहले जैसा रखा। नॉर्वे के समंदर में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, सभी 6 लोगों को बचाया गया। यूपी के ताज नगरी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 2.25 करोड़ का गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मेरठ से लग्जरी कारें चुराने दिल्ली आते थे आशिम अफजल और शहरोज, मांग पर चुराते थे गाड़ियां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय के अधिकारी के पति से 74 लाख ठगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। भरतराज और राकेश पाल है इन ठगों का नाम। श्रीलंका हांगकांग से जुड़े हैं गिरोह के तार। बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण कानून होगा पास। बढ़ेगी डीएम से लेकर इंस्पेक्टर तक की शक्तियां। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा, 14 लोगों की मौत, 21 लोग हैं घायल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को रिदम ऐप के साथ जुड़े।